हेलो चिल्ड्रन, आज आपको मैं एक मॉरल स्टोरी बताने वाला हूँ। स्टोरी का नाम है कलर्स ऑफ द रेनबो। एक बार रेनबो के सात कलर्स साथ में आते हैं और बातें करते रहते हैं। तो उसमें से रेड कलर बोलता है, मैं रेनबो का सबसे इम्पोर्टेंट कलर हूँ क्योंकि मेरे कारण रेनबो इतना ब्राइट दिखता है। फिर ऑरेंज कलर बोलते हैं, नहीं नहीं आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, आपसे इम्पोर्टेंट तो मैं हूँ। मेरे नाम से फ्रूट भी है जो स्वीट और जूसी फ्रूट है, सब लोग मुझे पहचानते हैं। फिर उतने में ब्लू कलर बोलते हैं, आप लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। देखो आकाश का रंग, स्काई का रंग ब्लू है, ऊपर से पानी का रंग ब्लू है, तो मैं आपसे इम्पोर्टेंट हूँ। फिर ग्रीन कलर आता है, बोलते नहीं नहीं आप सभी इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ। देखो अर्थ पे देखो, पृथ्वी पे देखो, सारे प्लांट्स ग्रीन कलर के हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ। इस तरह से हर एक कलर अपनी अपनी इम्पोर्टेंस बताना चाहता है, उसके कारण उनके बीच में क्वारल हो जाता है, झगड़ा चालू हो जाता है। इस झगड़े से क्या होता है, सारे कलर्स अलग अलग चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रेनी सीजन आता है, बारिश का मौसम, तो लोग धरती पे जो लोग रहते हैं वो आसमान की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं, इस बार तो रेनबो नहीं आ रहे, रेनबो दिखाई नहीं दे रहा है, वे बहुत उदास हो जाते हैं। फिर सूरज लोगों को देखकर सोचता है, क्यों ना मैं सब कलर्स को बुलाऊं और पूछूं क्यों नहीं आ रहे। तो एक दिन सूरज सभी कलर्स को बुलाता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ अब साथ में क्यों नहीं हो। उतने में रेड कलर बोलता है ये सारे कलर्स है ना बोल रहे कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ऐसे करके वो कंप्लेन करते हैं। फिर उतने में दूसरे कलर्स बोलते, हम लोग ने पहला स्टार्ट नहीं किया, पहला तो रेड कलर ने स्टार्ट किया कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। फिर से उनमें बहस चालू हो जाती है और बहस के कारण जो सूरज रहता है उसे उन्हें बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि बहुत लाल एकदम ऑट बन जाता है। सूरज को इतना ऑट बनते हुए देखकर सारे कलर्स भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और साइलेंस हो जाता है। कुछ समय के बाद सूरज कूल डाउन होता है और सब कलर्स को बुलाता है और बोलता है, देखो कलर्स अब सारे कलर्स है ना इम्पोर्टेंट हो, अगर एक भी कलर मिस हुआ ना तो रेनबो नहीं बन सकता है, तो सभी इम्पोर्टेंट है, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं है। तो ये बात सारे कलर्स को समझ में आता है। फिर भी बोलते हैं, सॉरी हमारी गलती हो गई है, हम लोग साथ में रहेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद आकाश में एक बड़ा सा ब्यूटीफुल सुंदर रेनबो आ जाता है, तो लोग उस रेनबो को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इस स्टोरी का मॉरल है कि यूनिटी स्ट्रेंथ, अगर हम साथ में रहेंगे तो बहुत सारा काम बनेगा और अच्छे से रहेंगे। थैंक यू।